सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल आप सभी के, मेरे चैनल फौजी कैनल पे आपका स्वागत है। और मेरी नई वीडियो में भी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो भाई वीडियो को पूरा देखना। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस जस्ट अभी मैं दोपहर में शूट कर रहा हूं वीडियो को, जो कि भाई करीबन करीब 2-3 बजे हुए हैं। और गाइस आप लोगों की डिमांड थी इस वीडियो के ऊपर कि डॉग का हेड कैसे मोटा करें, तो गाइस आपको इस वीडियो में बताने वाला हो कि भाई होता है या नहीं होता, तो वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस अभी हमारे साथ में है तो उसका भी हेड देख लो आप। कोको भाग के देख लो, बहुत तेज है भाई। और गाइस आपको मेन बात बता दो भाई, जो कि जो जहाँ तक मेरे को पता है, चाहे मेरे को 7-8 साल हो गए भाई ब्रीडिंग करते करते, मतलब ब्रीड के डॉग पालते पालते, तो भाई जो हेड होता है ना जेनेटिकली होता है। जैसे आपके पप्पी के बाप दादा हो गए ना, जैसे जैसे भाई पप्पी के बाप दादा हो गए, बिल्कुल हेड भी ऐसे ही जाएगा। ऐसा कोई दवाई वगैरह तो नहीं आती ना मैंने सुनी आज तक भाई, मैं झूठी बोल दूँ, मैंने आज तक नहीं सुनी। और हेड जो है भाई जेनेटिकली होता है और कोई दवाई वगैरह नहीं आती। और गाइस कुछ लोग पागल बना देते हैं, और इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा क्यों पागल बनाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ ना भाई, वीडियो पूरा देखना, पूरे ध्यान से सुनना, आपके साथ भी फ्रॉड वगैरह हो सकता है इस चीज़ के लिए। फिर आप कहोगे मेरा डॉग ये मोटा नहीं हो रहा, मेरे डॉग का हेड नहीं फूल रहा, उसका फेस तो दस के जैसा हो रहा। और कुछ लोग के बाद पता भी होगा, बट मैं आपको फिर भी बता दूँ, अगर कोई नया यूजर है हमारे चैनल पर तो आपको बता देता हूँ भाई। और अगर जब स्पाइडर को भी भाई सुबह से लूज मोशन हो रहे थे, तो उसको दवाई वगैरह लगा दी थी हमने, यू पटा जो कि भाई गहरी नींद में सो रहा। और कैसे सुबह से भाई भागा फिर रहा लूज मोशन होने के बाद भी, तो दिल भर कर रहा था। अगर आपको दिल भर के बारे में नहीं पता ना भाई, पुराने व्लॉग जाकर देख लेना स्पाइडर के, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ऐसे ये कौन सा काम करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ भाई कि लोग बाग क्यों पागल बनाते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, लोग बाग जो है ना पैसों के चक्कर में, स्वास्थ्य के चक्कर में भाई खरीद लेते हैं कि अमेरिकन बुली 5,000 का आ रहा है, इतने का आ रहा है अमेरिकन बुली भाई, अप्रोक्स मैं आपको बता दूँ 20,000 से ऊपर का आएगा अगर क्वालिटी का आएगा तो। और अगर लोग बाग सस्ते के चक्कर में भाई 5-6 हज़ार का ले लें, और फिर वो बताओ क्यों ले लें, उनके पप्पी की फीमेल भी अमेरिकन बुली होगी ना, तो शायद उसको चाहे तो उसको देसी कर गया होगा, चाहे कोई अदर ब्रीड का डॉग कर गया होगा, जब भी वो इतने सस्ते में बिक रहा है, अमेरिकन बुली इतने का नहीं आता, तो भाई लोग बाग ले लें सस्ते के चक्कर में। फिर पता लगा तो भाई जब वो 5-6 महीने का हो जाए तो देसी निकलेगा, ये तो पिटबुल निकलेगा भाई। ऐसा बहुत हुआ भाई मेरे पास, तो भाई इंस्टाग्राम पे डेली के इतने बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड होगा ही होगा, तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 महीने के बाद जब उसकी नाक लंबी हो जाती है ना, बिल्कुल देसी की तरह इतनी लंबी नाक हो जाती है, तब पता लगता है कि भाई 5-6 हज़ार रुपये का कौन सा अमेरिकन बुली आया। और लोग बाग मानने के लिए तैयार नहीं रहते कि ऐसे, जैसे हम बताते हैं ना अपने पप्पी का प्राइस, ऐसे बोलते हैं कि वहाँ तो 5,000 का मिला, 6,000 का मिला, मगर भाई तू जाकर ले जितना का तुझे पसंद हो, तो उनका हेड ग्रो भी नहीं हो पाता, क्योंकि भाई अगर देसी ना करते तो हेड कैसे ग्रो होगा। और आप लोग डाइट वगैरह के बारे में पूछते हो, चिकंदर वगैरह की, तो बहुत जल्द डाइट की वीडियो लाऊंगा मैं। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया भाई, हेड ग्रो करने कोई दवाई वगैरह नहीं आती, बट हाँ एक चीज़ है, अगर आप हड्डी बोन्स होती है ना, कैल्शियम की बोन्स आती है इनकी, अगर आप खिलाते हो ना, तो उनके मजल होते हैं ना, ये वाले मजल जो मजल होते हैं ना डॉग के, वे थोड़ा शेप में आ जाते हैं, अच्छी शेप दे देते हैं। मजल आपको दिखाता हूँ, मजल क्या होते हैं, तो आपको मजल वगैरह दिखाता हूँ भाई, मजल क्या चीज़ होती है, तो बोन्स खाने से भाई उनमें इंप्रूवमेंट हो गया, तो अच्छी शेप हो जाए मतलब फेस की। स्पाइडर तो इसका मजल दिखाते हैं आपको भाई, मजल ही होगा ये वाला हिस्सा, ये अच्छी से अगर ये बोन चबाएगा ना, तो अच्छी शेप में आ जाएगा। अच्छा, और सिकंदर का मजल तो भाई बहुत तगड़ा है, जैसे मिंडक नहीं होता बिल्कुल, ऐसे जब उसको मतलब सांस चढ़ जाना, तो पूरा मुंह पाट गया, जीभ से सांस ले रहा है, तो भाई जब उसका मजल दिख जाए पूरा, इतना मोटा मजल है उसका। मोस्टली आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, अगर आप पप्पी खरीदते हो ना, तो मोस्टली 100 में से भाई 50% भाई दो गोला निकल जाता है। वो क्यों निकलता है मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। और बाकी भाई पिटबुल को अमेरिकन बुली बता के बेच दिया जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि भाई अमेरिकन बुली महंगा आता है, पिटबुल 5-6 हज़ार का, मतलब मोस्टली मतलब 10K तक आ जाता है पिटबुल अच्छी क्वालिटी का, 10K मतलब लोकल एरिया में तो भाई 10K कोई नहीं देगा पिटबुल के, तो भाई मोस्टली 5-6 हज़ार का बिक जाता है पिटबुल। तो लोग बाग सोचते हैं कि अमेरिकन बुली बता के और महंगा जाएगा, तो भाई 10-12 हज़ार के रेंज में उसको बेच देते हैं, तो बाद में पता लगता है कि तो पिटबुल निकले। मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत से चैट है, बोलते हैं कि देखो मेरा अमेरिकन बुली कैसा है, मगर भाई ये तो पिटबुल है। तो गाइस इन चीज़ों से भाई बच के रहो, अगर आप न्यू यूजर हो, अगर आपको पप्पी लेना है तो भाई, तो इन चीज़ का ध्यान रखो, और भाई वीडियो कॉल वगैरह करके देखो भाई पप्पी आपके पास में है, बंदे के पास में है या नहीं है। और फ्रॉड भी बहुत, आपको स्क्रीनशॉट, चलो आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, अभी कल का ही है, वो लड़का चंडीगढ़ साइड का है, तो आपको उसकी चैट दिखाता हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हो, जो कि इसके साथ 12,000 का फ्रॉड हुआ, डिलीवरी का चार्ज भी दे दिया, एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया, तो इसके साथ भाई 12,000 का फ्रॉड हुआ।
इन चीजों का भी आप ध्यान रखे भाई। पहले वीडियो कॉल करके पूछना मदर फादर, देखना पप्पी कि मदर फादर कौन है, या फिर आप लाइव आकर दे सकते हो तो लाइव आकर देखो भाई। मोस्टली पप्पी हमारे भाई मुंबई पंजाब इस साइड जाते हैं। मेरी लोकेशन है भाई यूपी बागपत, जो अदर स्टेट में जैसे पंजाब मुंबई मैंने आपको बताया, फिर तो यहाँ पे आ नहीं सकते भाई, बहुत ज्यादा दूर पड़े, ले जाने में दिक्कत होगी, तो मैं हम यहाँ से डिलीवरी करवा देते हैं। दूर के जो कस्टमर हो गए भाई तो यहाँ पे आके लाइव देख नहीं सकते, तो भाई वीडियो कॉल करके आप दिखा सकते हो। करीबन करीब भाई एक महीने के अंदर 150 मैसेज आ गए, मेरे साथ ही हो रहा। और गाइस मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे लो, ठीक है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहती हो तो भाई मोस्टली नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कोई आपको पप्पी चाहता हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि सिकंदर के अभी फीमेल बची हुई है। तो एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन टेल मी ऑन व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और पापा का भाई अगर फोन ना उठे तो भाई पापा ड्यूटी पे रहते हैं, पापा का नंबर है, मोस्टली पापा को मेरे ज़्यादा जानकारी है, तो पापा से बात कर सकते हो भाई। और भाई आपको एक मेन बात और बता देता हूँ, जो कि भाई हमारा मेन वर्क था भाई रोटवीलर का, हम रोटवीलर ही पालते थे पहले। 2014 में हमने फर्स्ट डॉग लिया था रोटवीलर का, जो कि हम मेरठ से लाए थे। डोम वन था, डोम टू नहीं, तो डोम टू तो भाई छोटा आते आप जानते भी होगे, तो डोम वन था जो कि हमारा सबसे पहला रोटवीलर था। तो भी है जी भाई ओडी जा, तो उससे हमने स्टार्टिंग करी भाई, हमने शौक में पालिया भाई, नॉट ए ब्रीडिंग पर्पज। हमारी कुछ फीमेल भी आती भी नहीं, हम उनको रखते, अगर हमको पैसे का लालच होता तो भाई हम बड़े डॉग को भी सेल कर देते। तो हमने मेन काम हमने रोटवीलर का रखा था, तो जब हमने वो पाला पूरे जी जान से पाला भाई, देसी खुराक है भाई, हम तो देसी आदमी, तो देसी खुराक वगैरह हमने की, तो भाई उस अंडों का बिल्कुल ठाड़ा हो गया। जब वो एक साल का उसका रुका पड़ गया पूरे इलाके में, पूरे बागपत जिले का में मतलब नाम हो गया हमारा। तो उससे हमने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दी। और अब बता लोग बाग क्या बोलते हैं कि फौजी कुत्ते तो सुक्के से है, मेरे पापा फौजी है भाई, आर्मी से रिटायर्ड है, एनएसजी कमांडो थे मेरे पापा, तो उनको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा फौजी आदमी, तो आपको पता ही है भाई, और जो कि वीडियो भी देख रहे होगे मेरे पापा। तो भाई लोग बाग बुराई करते हैं कि उसके फौजी के कुत्ते तो सुक्के है भाई, पिटबुल बता के बिक रहा भाई। हमारी पहली बात तो पिटबुल नहीं है, 1 लाख रुपये की शर्त लगा सकते हो भाई, डीएनए वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह आप करवा लो, अमेरिकन बुल लिया पहली बात। तो भाई चिढ़ने वाले तो खैर कुछ ही बोलते हैं भाई, जब आप एक चीज़ में टॉप पे हो ना, टॉप पे, तो भाई बुराई भी होगी और हमारी मतलब तारीफ करेंगे, तो भाई हमसे लोग बाग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। अगर कोई हमारे बारे में आपको गलत बताए ना, तो आपको नंबर में आपको मैंने दे रखा है, आप खुला बात कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं, पर लोगों की बात में मत आओ। हमारे से जहाँ पे भी डॉग जा रहे हैं ना, वो भी कंपटीशन में खड़े हो रहे हैं हमारे कंपटीशन में, हमारे से डॉग ले गए, हमारे साथ में बैठते थे, और देख लो भाई कॉम्पिटिशन में खड़े हो रहे आजकल, और भाई बुराई करते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह आती है भाई हमारे पास में, बहुत सारे बंदे हैं जो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। और गाइस जहाँ पे भी हमारे बच्चे गए हुए ना भाई, सारू का अपडेट मेरे पास में है, मेरे करीबन करीब मेरे फ़ोन में भाई 500 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे, जो कि मैंने आईफोन ले लिया, तो भाई कुछ कॉन्टैक्ट बचे हैं। बट भाई जहाँ पे भी अभी मैगी के बच्चे गए, सारू का नंबर मेरे पास में है, और सारे डिटेल्स मैं बड़े होने तक की देखता हूँ भाई, बड़ा होकर कैसा हो रहा है भाई वो, ठीक, तो कोई शिकायत नहीं मिली आज तक। और वैसे हम गारंटी लेते हैं, अगर कोई बच्चा खराब बता दे ना, तो हम आपसे ले लेते हैं, तो भाई ये सबसे अच्छी बात है हमारी, आज तक तो कोई वापसी आया नहीं हमारा डॉग। और गाइस ऐसा कोई ब्रीडर नहीं जो हमें ना जानता हो, अब हमारा नाम हो चुका है, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया भाई, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और ऐसे सपोर्ट करते रहो भाई, अभी तो और जलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था, और जलेंगे और जलाएंगे भाई, ठीक, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस मेरे को वेटनरी में जाना है, क्योंकि हमारे लोकल एरिया में जो डॉक्टर है ना, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, गरीब जो होते हैं ना, उनको लूट लेते हैं, तब भी उनका पप्पी या डॉग वगैरह जो भी बीमार होता है वो बच नहीं पाता, तो लोग बागों को लूट रहे हैं भाई, तो मेरे को ईमानदार बनना है। और हमारे इलाके में भी कुल एक या दो डॉक्टर है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है, और उनको हम ही दिखाते हैं, वरना तो भाई सब चोर है, मैं उनको चोर बोल रहा हूँ। और गाइस मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं पिछले 1 साल से इस वीडियो का वेट कर रहा था, आपको इन्फॉर्मेशन बतानी चाह रहा था, बट भाई मैं बना नहीं पा रहा था। और गाइस इंस्टाग्राम पे 130 के फॉलोवर्स हो चुके हैं, बल्कि 135 के हो चुके हैं, तो आप लोगों का इतना सपोर्ट है, तो भाई इतना आप सभी का इतना प्यार है। और गाइस अगर आप नहीं हो तो भाई इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो, जो कि डेली का अपडेट वहाँ पे डालता रहता हूँ, और डेली की रील वगैरह मैं डेली की एक रील या बल्कि दो, कभी कभार तो दो भी हो जाती है, तो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बल्कि आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट है, और मेडॉक्स की वीडियो भी और आपको बाकी पेज पर देखने को मिल जाती होगी। अगर कोई ये बता के बेचेगा ना कि फौजी कहने लगे पीज आई, तो भाई मत लेना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहे तो भाई डायरेक्ट आके लो हमसे। अभी पीछे से 28,000 की फीमेल बेच दी थी भाई पिटबुल की, क्या कहेंगे फौजी कैनल का बच्चा है, तो भाई ऐसा मत करो, आपको चाहे तो डायरेक्ट बात करो, और वैसे बदनामी होती है इस चीज़ से हमारी भी।
और गाइस नंबर वगैरह हर जगह अपडेट है, इंस्टाग्राम के बायो भी मैंने अपना नंबर लिखा है, बट भाई बहुत से लोगों को नहीं दिखता, बट कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा नंबर, ओरिजिनल नंबर है। और बाकी पे आप विश्वास भी मत करना। और गाइस अभी इसके पपीज भी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल हेड साइज आपको दिखाता हूं भाई, कितनी ज्यादा खतरनाक है, आप भी आंख फाड़ जाओगे भाई। और गाइस जो कि भाई चार फीमेल बची हुई है, देख सकते हो आप, दो लीलैक कलर के है, एक एलिफेंट ग्रे कलर की और एक सिकंदर पे। अगर आपको चाहिए तो भाई कॉन्टेक्ट कर सकते हो उनके बारे में भी आप। तो गाइस ये रोडी के पपीज जो कि भाई आराम से सो रहे हैं। सो गाइस देखो भाई ये घोड़े बेच कर सो रहे हैं अभी, और मैं इनको उठा भी नहीं सकता भाई, रोने लगा के भाई, फिर पूरा दिन रोवा है। तो गाइस आप ओडी का रिजल्ट पे आप देख सकते हो, जो कि हमारी ओडी घर की बच्ची है पेप्सी की, पेप्सी हमारी तियागी लाइन की है, तियागी लाइन बहुत ही मशहूर लाइन है भाई। और मैक्स हमारा डस्टी का बच्चा है, जो कि डस्टी भाई फिरोज और कोमला की डायरेक्ट मतलब इंपोर्ट की बच्ची थी। ओडी का रिजल्ट तो आपने देखा ही होगा, हमारा डोम है जो डोम टू छोटा हाथी, जो कि भाई ओडी का बच्चा है। अगर आप उसको आके देखोगे ना भाई, बिल्कुल संड हो रहा है। आप तो खैर भाई मेरे अंकल के लड़कों पर भी अटैक मारता है, मतलब ऐसा अटैक नहीं मारता, हाथ नहीं पहन देता सिर पर, तो वैसे बहुत सीधा है। और भाई हाथी हो रहा सही में, साउंड हो रहा बिल्कुल जैसे साउंड गया है। और कैसे भैया थोड़ी देर में ये भी चल जाएगा, तो उसका मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है भाई, जो कि भाई हमसे बहुत ज़्यादा मिल चुका था ये, और इसका बहुत ज़्यादा प्यार था भाई। और कैसे तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बट भाई इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया मैंने, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, शेयर तो जरूर कर दियो, क्योंकि भाई फ्रॉड वगैरह से आप बच सकते हो। जो भी आपका दोस्त भाई डॉग लवर है या पप्पी लेना चाहता है, बस उसके साथ उसको भाई शेयर कर देना, ताकि उसको पता हो उसके बारे में, या चाहे पता भी ऑलरेडी तो फिर भी कर देना। तो भाई